जी माइक आपके मैं म्यूट कर रहा हूँ सबके। अच्छा जी, मेरे पास जो प्रॉब्लम थी वो थी एरिया ऑफ द रिंग फाइंड करने की। तो रिंग जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक आउटर सर्कल होता है और एक इनर सर्कल होता है। तो दो फंक्शंस हम लिखेंगे जिनके अंदर दोनों जो एरियाज हैं वो फाइंड करेंगे, और उसके बाद उसकी जो वैल्यूज़ हैं, रिंग की जो वैल्यू है वो फाइंड करेंगे, एरिया क्या है उसका। तो मैं डेव सी प्लस प्लस पे ओपन कर लेता हूँ इसको। ये पहले मैंने फंक्शन मेरे ख्याल करवा दिया हुआ है, वो रिपीटर्स की क्लास है उनको, तो मैं वही ओपन कर लेता हूँ ओपन। फिर उसमें से ना चीज़ें थोड़ी सी डिलीट करके दोबारा से कर लेंगे स्विच। प्राइम नंबर स्विच केस लूप वाइल सम। अच्छा खैर वो पता नहीं फाइल किधर है, चलो दोबारा से बना लेते हैं जी। सोर्स फाइल है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ, बाद में कर लेते हैं। हैश इंक्लूड हमारे पास सबसे पहले तो आयो स्ट्रीम, और हैश इंक्लूड ये कौन आयो आप यूज करें या ना करें इतना फर्क नहीं पड़ता डेव सी पे, लेकिन यूज इसलिए करते हैं कहीं पे मजूद पड़ जाती है या आप लोगों की प्रैक्टिस रहे कि ये भी कोई लाइब्रेरी है। उसके बाद आगे जी मेरे पास यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। और इंट मेन ब्रैकेट आ गई हमारे पास, जी फैजान वसीम। ये कौन है फैजान वसीम, मुझे मैसेज करें सी आर ये कोई है हमारा स्टूडेंट फैजान वसीम, इसने रोल नंबर नहीं लिखा हुआ अपना। फिजान वसीम नाम आ रहा है इसका, रोल नंबर नहीं लिखा हुआ इसको, तो इसलिए मैं एडिट नहीं कर रहा इसको, ओ सॉरी एडमिट नहीं कर रहा इसको, ऐड नहीं कर रहा, पता नहीं कौन है। रिजेक्टेड। अच्छा जी इंट मेन के बाद हमारे पास ये टॉप पे हमारे जो हैं फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन मेन के अंदर फंक्शन कॉलिंग जो है मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। जी नहीं नहीं ऐड नहीं कर रहा इसे मैं। और उसके बाद है फंक्शन कॉल, हमारे है जी फंक्शन डेफिनेशन। हैसन जाहिद अभी फिर कोई आ गया, चलें जो भी है लॉबी में बैठे रहें वेट करें। फंक्शन डेफिनेशन आ गई हमारे पास, ठीक हो गया। ये तीन चीज़ें हमने जो है काम करने हैं, सबसे पहले तो फंक्शन डिफाइन करने हैं हमने। फंक्शन हमारा है जी डबल्स में रख लेता हूँ या इंटीजर्स भी रख सकते हैं आप, एरिया ऑफ
नाम आप जितना जैसे चाहें रख सकते हैं, शॉर्ट करके रखना है शॉर्ट करके रख लें, और हमें वैल्यू चाहिए डबल आर या रेड वन। ठीक है, रेडियस वन हमारे पास एक वेरिएबल है, यानी यूजर से हमने जब भी एरिया फाइंड करना होता है रेडियस लेना होता है, डबल एरिया ऑफ इनर सर्कल और डबल रेड वन। रिजल्ट क्या आ जाएगा जी इसका, सॉरी रिटर्न कर लेते हैं, रिजल्ट में वैल्यू नहीं ऐड करते हैं। रिटर्न ब्रैकेट, इसमें हम कर लेते हैं पाई की वैल्यू, पाई आर स्क्वायर होता है हमारे पास, पाई स्टैरिक रेड वन स्टैरिक रेड वन। ठीक है, ये तो पाई आर स्क्वायर आ गया हमारे पास। तो ये रेड जो रेडियस है वन इनर सर्कल का वो, और दूसरा जो है पाई की वैल्यू, दोनों को तीनों को मल्टीप्लाई करके हमें रिजल्ट दे देगा, रिटर्न कर देगा वैल्यू। तो ये हमारा था पहला फंक्शन। दूसरा फंक्शन हमारे पास जो है, मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, तो इनर सर्कल था ये आउटर सर्कल हो जाएगा, आउटर सर्कल इसको रेडियस 2 कर लेते हैं ताकि हमें पता हो बाहर वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 2 है जी। मैसेज किसका है, कर लें यार रीजॉइन कर लें, खुद ही कर लिया करें, बेको पूछने वाली बात है। तो ये मेरे पास आ गया आउटर सर्कल का, ये इनर सर्कल का, दोनों के फंक्शन लिख लिए हमने, इसका रेडियस 1 है इसका रेडियस 2 है। अब इनको हमने फंक्शंस को डिक्लेयर करना है, तो इसके सिग्नेचर जो हैं वो कॉपी करता हूँ मैं यहाँ से, डिक्लेरेशन में जाके पेस्ट कर देता हूँ, से रेडियस डिलीट कर देते हैं, इनर सर्कल आ गया। फिर मेरे पास जो है आउटर सर्कल आ गया, आउटर सर्कल ठीक हो गया, तो इसके लास्ट पे सेमी कॉलन, ये डिक्लेरेशन आ गई। तो हमने फंक्शन डिफाइन भी कर लिया और डिक्लेयर भी कर लिया। अब डिक्लेयर करने से पहले पाई की वैल्यू जो है ना हमने वो नहीं लिखी, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पाई या डबल पाई इज इक्वल टू 3.1415 सेमीकोलन। तो ये हमारे पास क्या है, ग्लोबल वेरिएबल है, ग्लोबल वेरिएबल। ठीक है, ये हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरा तरीका इसको लिखने का होता है हैश के साथ, डिफाइन पाई इज इक्वल टू 3.1415। ठीक है, आप इसको डिफाइन के साथ भी कर सकते हैं। तो ये वाला तरीका जो अभी हमने पढ़ा नहीं है, ये 14th लेक्चर में आएगा, लाइब्रेरीज कैसे लिखी जाती हैं, लाइब्रेरीज कैसे बनाई जाती हैं, उनके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो फिर उसको हम वहाँ पर देखेंगे। तो फिलहाल मैं सिंपल वेरिएबल एक मैंने ले लिया डबल पाई। अब ये जो पाई है ये कहीं भी आपका कॉल हो सकता है, मेन में भी और अदर भी। अब हमने फंक्शन कॉल करना है, फंक्शन कॉल करेंगे हमारे पास, फंक्शन के जो कॉल करने का तरीका है पेस्ट और पेस्ट जी। तो मैं अभी खैर इनको लिख नहीं रहा फंक्शंस को, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई करना थोड़ा सा जी। रेडियस हमने सबसे पहले तो एक वेरिएबल लेना है डबल टाइप का, जिसका नाम रख देते हैं आर। ठीक, अब रेडियस हमने लेना है यूजर से, या तो यूजर से लेना है या हमने खुद से इनिशियलाइज करना है, 0 रख लें। बाद में हम फंक्शन कॉल कर लेते हैं हमारे पास जी, या यूजर से ले लेते हैं रेडियस, हम दोनों पूछ लेते हैं यूजर से। तो अगर यूजर से लेना है तो फिर दोनों वेरिएबल जो हैं, एक आर वन दूसरा आर टू, हमें दो चाहिए वेरिएबल। यहाँ से हम करते हैं सी आउट, प्लीज एंटर द रेडियस
ऑफ इनर सर्कल इज इक्वल टू एंडल, और फिर सी इन करवा देते हैं। इनर सर्कल के लिए हमने जो रेडियस रखा था वो आर वन रखा था, ठीक है, तो यहाँ भी आर वन कर लेते हैं, यानी कि इनर सर्कल का जो रेडियस आएगा ये आर वन में स्टोर करवा देगा। और उसके बाद इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। प्लीज एंटर द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, इसके लिए आर टू रख लेते हैं। दोनों वैल्यूज हमारे पास स्टोर हो गई, इनर सर्कल भी आ गया, आउटर भी आ गया, फंक्शंस भी हमने बना लिए, डिक्लेयर भी कर लिए, यूजर से दोनों की वैल्यूज भी ले ली। अब हमने कैलकुलेट करना है, ठीक है जी। कैलकुलेशंस जो आपकी होंगी, सी आउट एरिया ऑफ द रिंग इज इक्वल टू, अब हम क्या कॉल करेंगे। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, या तो दोनों को आप एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा लें, यहाँ पे लिख लें फॉर एग्जांपल एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ आउटर सर्कल, जगह पर आउटर सर्कल के लिए हमने आर टू रखा था, माइनस इनर सर्कल के लिए हमने आर वन रखा था जो हमने यूजर से लिया है, ठीक है। दोनों को कैलकुलेट करने के बाद आप यहां पर सिर्फ एरिया शो करवा दें, तो फिर इस यहां पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं एरिया टाइप का, या आप ये जो लाइन है हमारी एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल सीधा आप सी आउट के अंदर ही लिख दीजिए जहां पर हमने एरिया लिखा है, तो दोनों तरह से आप कर सकते हैं जी। यहां तक किसी का क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। पहले मैं इसको ना रन कर लूं, सेव कर लूं फाइल को, एरिया ऑफ रिंग के नाम से सेव हो गया जी। ये हमारे पास कंपाइल हो गया, कोई एरर नहीं है इसके अंदर, एक एरर है हैश इंक्लूड, ये स्पेलिंग गलत है इसके, हैश सी जो है इधर आए इंक्लूड जी, ओके हो गया बिल्कुल। अच्छा जी, मैं माइक आपके ऑन कर देता हूँ, अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, यहाँ तक अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई। माइक आपके ऑन कर दिए, हैंड रेज करेंगे पहले फिर क्वेश्चन। सर मैंने ना लेट क्लास ज्वाइन की थी सर, एक दफा दोबारा समझा देना। अच्छा ये आपकी तरफ दोबारा आता हूँ मैं, और किसी का क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है जी, 311 क्या क्वेश्चन है आपका सर? ये मैंने उस दिन भी ये चीज आपसे पूछी थी कि सर ये बगैर फंक्शन के भी तो हम एरिया ऑफ रिंग मालूम कर सकते हैं ना? हाँ जी, हाँ जी कर सकते हैं। तो सर वो फिर इसका पर्पज नहीं समझ आया, तो फिर ये क्यों कर रहे हैं जी? इसका पर्पज आपको समझ आ जाएगा आगे जाके हम काम करेंगे ना, जब आप एक तो थोड़े से मेच्योर हो जाएंगे, मींस के प्रोग्रामिंग का जो आपका लेवल है वो मेच्योरिटी पे आ जाएगा, एक तो आपको तब इसकी समझ आएगी। दूसरा जो है, अभी हमारे पास कोई ऐसी असाइनमेंट नहीं आई, ना ही मैंने आपको अभी तक कोई टास्क दिया है जो फंक्शंस के ऊपर हो, ठीक है। तो जब आपको प्रॉब्लम्स आएंगी ना फंक्शंस के ऊपर, अब फंक्शंस के ऊपर आपको जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो बहुत सारी हैं, मतलब कि मैंने आपको पहले ही बताया था फंक्शन हम इसलिए बनाते हैं कि हम बड़ी प्रॉब्लम को सब प्रॉब्लम्स के अंदर जो है ना डिवाइड कर लें। तो फंक्शंस जो होते हैं वो डिवाइड एंड कंकर के ही अप्रोच जो है उसको लेते हुए जो हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व कर लेते हैं। उसकी एग्जांपल मैंने दी थी यूनिवर्सिटी का, अगर हमारे पास एक पूरा प्रोजेक्ट हमने बनाना है तो हम वहाँ पर क्या करते हैं, हम अकाउंट्स के लिए अलहदा से फंक्शंस बनाते हैं, यूज़र जो है एम्प्लॉयज़ के लिए अलहदा से फंक्शंस बनते हैं, और जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए अलहदा से फंक्शन बनते हैं, स्टाफ के लिए, फैकल्टी के लिए, फिर उनकी भी आगे कैटेगरीज होती हैं, क्लरिकल स्टाफ है आपका, आपका सेक्टरी लेवल का स्टाफ है, और जो कोऑर्डिनेटर्स हैं आपके उनके,
तो उनका जो डाटा जब आप उन्हें मैनेज करना होगा ना, तो आप सारा काम एक मेन के अंदर नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे फिर हम क्या करते हैं, हर एक चीज को लदा लदा डिफाइन करते हैं। तो जिस जगह पर हमें जो चीज जरूरत होती है वहां पे हम कॉल कर लेते हैं उसे। तो फंक्शन बनाकर रखने का पर्पज ये होता है, अब इस प्रोग्राम में आपने एक फंक्शन बना लिया, ये तो एक सिंपल प्रोग्राम है ना, कि यहाँ पे आपने फंक्शन बना लिया। अब एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करने के फंक्शंस जो हैं वो मतलब के क्या है, सबसे पहले तो ये देखे ना, वो फंक्शन क्या करता है, एरिया फाइंड करता है। उसका फार्मूला तो एक ही होगा, यानी कि पाई आर स्क्वेयर, इसका फार्मूला तो एक ही है, ये कहीं भी चेंज नहीं हो सकता। तो आपने जब भी एरिया ऑफ सर्कल फाइंड करना है आपको यही फार्मूला लगाना पड़ेगा। चीज़ क्लियर होगी। अब आप ये काम कर रहे हैं एक फाइल के अंदर, एक प्रोग्राम मैंने छोटा सा लिखा है इसके अंदर हम कर रहे हैं। आप इसी प्रोग्राम को, इसी फंक्शन को उठा के एक लाइब्रेरी बनाएं अपनी, उस लाइब्रेरी के अंदर ये फंक्शन रख दें। आपने नेक्स्ट टाइम जब भी काम करना है, मतलब कि आपने 3 फाइलें बनानी है, 4 फाइलें बनानी है, 6 प्रोग्राम है, 7 प्रोग्राम है, एरिया से रिलेटेड, एरिया ऑफ सर्कल से रिलेटेड, हर दफा आपको फंक्शन ही लिखना पड़ेगा। फिर क्या करेंगे आप, वो एक लाइब्रेरी फाइल के अंदर फंक्शन लिखा हुआ पड़ा हुआ है, बस जस्ट उसको कॉल करेंगे, जैसे हम गेट सीच हम कॉल कर लेते हैं, हर फाइल के अंदर गेट सीच कॉल कर लेते हैं। रैंडम का फंक्शन ऑलरेडी बना हुआ है, हर फाइल के अंदर जहां आपका दिल करता है आप कॉल कर लेते हैं। समझ आई कि नहीं, थोड़ी सी क्लियर हुआ? यस सर, यस सर। तो फंक्शन बनाने का पर्पज ये होता है। अब ये जो छोटे छोटे काम हमने मेन में किए थे ना, अब उनको हम कर रहे हैं फंक्शन में। मैं एकदम से आपको उठा के लाइब्रेरी पे ले जाऊं ना, बड़े बड़े फंक्शंस आपको लिखने के लिए दे दूं। रैंडम फंक्शन लिखना है हमने, रैंडम का फंक्शन मतलब थोड़ा सा बड़ा होता है। अब वो रैंडम का फंक्शन लिखना है आपने, तो वो फंक्शन में पहले से आपको फर्स्ट टाइम आपको मैं रैंडम का फंक्शन करवा दूं, आपको कभी भी समझ नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या है, फंक्शन की डेफिनेशन आपको समझ आनी चाहिए, फंक्शन जो है डिक्लेयर कहाँ होता है, कॉल कैसे करते हैं, फिर हम जाएंगे लाइब्रेरी के अंदर फंक्शन कैसे स्टोर करवाते हैं। नेक्स्ट टाइम फिर आपको फंक्शन लिखने नहीं पड़ेंगे, एक दफ़ा लाइब्रेरी में रख के स्टोर करवा दें, उसके बाद जहाँ मर्जी उसको आप कॉल कर लें। तो ये हम स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो पहली दफ़ा आपने ये, पहले मैंने सिंपल फंक्शन करवाए थे, आपको वो फंक्शन नहीं समझ आए थे पहली दफ़ा। क्यों नहीं समझ आए थे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। सॉरी, 1 मिनट में कॉल सुनूँ। सॉरी जी, अब क्लियर हो गया फंक्शंस का। तो पहली दफ़ा मैंने फंक्शंस करवाए थे तो आपको समझ नहीं आई थी। क्यों समझ नहीं आई थी, क्योंकि नई चीज़ थी आपके लिए। अब उसके ऊपर हम 2-3 हमने एग्जांपल्स किए हैं, प्रैक्टिस आपने की होगी, अगर नहीं की जब आप करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी, फिर हम जाएंगे एडवांस लेवल पे इसके। तो अभी बहुत सारी चीज़ें हैं फंक्शंस के अंदर, ठीक है जी। ये फंक्शन हमने कॉल कर लिया था इधर, अब मैं इसको रन करता हूँ। प्लीज़ एंटर द रेडियस ऑफ इनर सर्कल, मैं कहता हूँ जी 25 रेडियस है इनर सर्कल का। प्लीज़ एंटर द रेडियस ऑफ आउटर सर्कल, अब इनर सर्कल जो है वो छोटा है, आउटर सर्कल बड़ा है, तो आपने यहाँ पर वैल्यू इनर सर्कल की छोटी देनी है, आउटर सर्कल की वैल्यू बड़ी देनी है, ठीक है। अगर नहीं देंगे तो वो माइनस में रिजल्ट आएगा, रिजल्ट आ जाएगा माइनस में आएगा, लेकिन एरिया माइनस में नहीं होता, ठीक है। तो इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 25 है तो मैं इसको दे देता हूँ 35 आउटर सर्कल का एरिया। जैसे ही आंसर आया, एरिया ऑफ द रिंग इज 1884.9, तो ये उसने हमें उसका रिजल्ट दे दिया। तो इसके अलावा आपने अगर यूजर से वैल्यूज नहीं लेनी तो इसके अंदर आप खुद भी वैल्यूज स्टोर कर सकते हैं। अगर मैं इसको कमेंट कर दूं, एडिट और कमेंट, तो इस रेडियस की जगह पर, R2 की जगह पर मैं दे देता हूँ उसको 20 आउटर सर्कल, और इनर सर्कल जो है वो मैं दे देता हूँ 12। तो ये भी आपको हो जाएगा। तो ये जो हमने फंक्शन कॉल किया है इसको कहते हैं फंक्शन कॉल बाय वेरिएबल, सॉरी एक्चुअल पैरामीटर्स, ठीक है। फंक्शन कॉल जो है ये एक्चुअल पैरामीटर हमने दिए हैं, यानी कि उसकी जो वैल्यूज़ हैं वो हमने पास कर दिए हैं, तो इसको कहते हैं फंक्शन कॉल बाय वैल्यू। तो हमने एक वैल्यू से फंक्शन को कॉल किया है, ये फंक्शन हमने 12 से कॉल किया है। इसके जो पैरामीटर्स हैं उनको एक्चुअल पैरामीटर कहते हैं, और ये जो फंक्शन की टाइप है ये कॉल बाय वैल्यू।
अब इसको मैं रन करूंगा, सिर्फ मेरे पास रिजल्ट आएगा, प्लीज एंटर द इनर सर्कल। अच्छा ये अब क्या हुआ है, वो पहले वाला प्रोग्राम ऐसे हुआ है, दोबारा मैंने कंपाइल नहीं किया, तो इसको मैं कंपाइल, एरिया वॉज नॉट डिफाइंड, तो इसमें एरिया जो है इसको हम सेपरेट कर लेते हैं, एरिया जो है ये हमने डिक्लेयर नहीं किया था। कंपाइल करते हैं, कोई एरर नहीं, अब रन किया है सीधा सीधा, एरिया ऑफ द रिंग इज 804.224, तो सीधा सीधा उसने दे दिया हमें। ठीक है, अब देखें जी मेरे पास ये फंक्शन कॉल, ये है जी मेरे पास एरिया ऑफ द रिंग, ये उसने मेन बताया, अब ये रिंग एरिया जो है 3.1415 मल्टीप्लाई रेडियस, तो ये सीधा सीधा अगर आप फंक्शंस के बगैर करते हैं, ऊपर लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग रिंग एरिया विदाउट यूजिंग फंक्शन, तो फिर आपने इस तरह यूज़ करना था। ठीक है, और अगर आपने करना है फंक्शन टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ अ रिंग विद रिटर्न वैल्यू, फिर आपने उसको किस तरह लिखना था, यह है जी कॉल बाय वैल्यू, फंक्शन कॉल बाय वैल्यू जो मैंने आपको अभी बताया है, फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर। फॉर्मल पैरामीटर होते हैं वेरिएबल के साथ हम कॉल करते हैं, यानी कि एक वेरिएबल उसके अंदर रख देते हैं, वो वैल्यू हम यूज़र से ले लेते हैं, उस यूज़र जो भी वैल्यू देता है उसको हम उसमें पास कर देते हैं और वो आगे कैलकुलेट होकर हमें रिजल्ट आ जाता है। द आइडेंटिफायर यूज इन अ मैथड, इसका मतलब क्या, इतनी सी लाइन का मतलब समझें, आइडेंटिफायर यूज इन अ मैथड, एक मैथड के अंदर, मैथड क्या है, फंक्शन है, इसको हम मैथड्स भी कहते हैं फंक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो मैथड की अगर कहीं पर टर्म आती है तो कन्फ्यूज नहीं होना, क्योंकि जब आप नेक्स्ट क्लास में जाएंगे सेकंड सेमेस्टर में तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे ऊप के नाम से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, उसके अंदर आपका जो मेथड्स होंगे फंक्शंस होंगे वो सारे के सारे मेथड ही वहाँ पर आप टर्म यूज़ करेंगे। ठीक है, 345 ये हमारा स्टूडेंट है जी, कहाँ से आया है एज ए गेस्ट। ठीक है जी, 345 भी था वो दोबारा से पहले से मौजूद हूँ, तो ये कौन है, मैं पहले से मौजूद हूँ, हैं ये किसको कर लिया है एडम ने, कौन आ गया सर, उसने अब नाम चेंज किया होगा, पहले वाले मस्ती करने आ गया। 45 अभी देख लेते हैं, अरे मेरी पिक आ रही है, पिक भी आपकी आ रही है, चलो कर लेना, कितनी मस्ती कर लेगा ये सर, मस्ती कर रहा है सर, दो पार्टियों में चले देख लेते कितनी मस्ती कर रहा है, बाद नहीं आ रहा सर, ये क्या कर रहा है सर, ये बस मुद्दा के साथ ही कुछ कर रहा है, हमारे तो हमें तो कुछ नहीं पता लग रहा है, नहीं सर क्लास में डिस्टरबेंस क्रिएट कर रहा है, ये अहमद घूम रहा था, चलें रिमूव कर दिया उसको मैंने, ठीक है रिमूव हो गया जी। तो मेरे पास आ रहे थे जी फॉर्मल पैरामीटर और एक्चुअल पैरामीटर, तो जो आइडेंटिफायर हम आइडेंटिफायर बोलते हैं वेरिएबल को जो हम स्टार्ट में रखते हैं, तो आइडेंटिफायर जो हम यूज़ करते हैं मेथड के अंदर और यूज़र से लेकर हम उसको कॉल करते हैं टू स्टैंड फॉर द वैल्यू दैट इज पास्ड इनटू द मेथड बाय अ कॉलर। ठीक है, यानी कॉलर कौन है, जिसने भी फंक्शन कॉल किया है, यूज़र जो है, फॉर एग्जांपल अमाउंट इज़ अ फॉर्मल पैरामीटर ऑफ प्रोसेस डिपॉजिट, प्रोसेस डिपॉजिट के लिए हम कोई अमाउंट लेते हैं तो उसके लिए हम एक वेरिएबल रख देते हैं अमाउंट, और उधर फंक्शन में होता है वो प्रोसेस डिपॉजिट या डिपॉजिट के नाम से होता है। एक्चुअल पैरामीटर द एक्चुअल वैल्यू दैट इज पास्ड इनटू द मेथड बाय अ कॉलर, तो जो एक्चुअल वैल्यू हम इसमें दे देते हैं, जैसे पहले मैंने फंक्शन के अंदर कॉल किया था R1 और R2, फिर मैंने उसकी जगह पर 20 और 12 दे दिया, R1 और R2 जो था फॉर्मल पैरामीटर था, 20 और 12 जो दिया था वो एक्चुअल पैरामीटर था। ठीक है, फॉर एग्जांपल द 200 यूज्ड व्हेन प्रोसेस डिपॉजिट इज कॉल्ड इन अ एक्चुअल पैरामीटर जी। कॉल बाय वैल्यू, ये अभी मैंने बता दिया आपको, जो हमने वैल्यू के साथ यानी कि इंटीजर टाइप जो है i 10 हमने उसको वैल्यू दे दी है, मेन में 10 आ गई है, यहाँ पर 10 आ गई है, ये कॉल बाय वैल्यू है हमारे पास, ये i की वैल्यू जो है वो
10 हमने सेट कर दिया पहले से, तो वो पहले से सेट कर दो या फंक्शन के अंदर आप रख दो, यानी कि हमने एरिया ऑफ इनर सर्कल जो था उसको 12 वैल्यू पास कर दी थी सीधी सीधी, या वेरिएबल के थ्रू पास की थी, उधर की थी, तो वो फंक्शन कॉल बाय वैल्यू था हमारे पास। ठीक है जी, ये फंक्शन कॉल बाय वैल्यू हमारे पास इंट ए की वैल्यू 10 है, सी आउट ए 10 देगा, स्क्वेयर उसका स्क्वायर लेने के बाद आपको 100 शो करवा देगा, और एंड एल, तो ए की वैल्यू पहले से हमने सेट कर दी हुई है। तो ये हमारे पास क्या है, गेट सी एच, और ये फंक्शन नीचे एक्सप्लेन किया हुआ है स्क्वायर का। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी कर लिया हुआ फंक्शन, तो जस्ट उसको वैल्यू का बता रहे हैं कि वैल्यू पास किया तो वो कॉल बाय वैल्यू है। कॉल बाय वैल्यू किस तरह काम करता है वो हमने डिस्कस किया हुआ पहले सारा का सारा, कि आपकी वैल्यू जो है यहाँ यूजर से लेते हैं, वो डिक्लेरेशन के पास जाती है, पैरामीटर चेक करती है, फिर वो फंक्शन के पास जाती है, वो जितनी जो वैल्यूज है उस वेरिएबल को पास होती है, फिर वो रिटर्न करता है। ये सारा जो है ना सेम वही हमें बताया हुआ है एक डायग्राम के थ्रू, ये कहाँ से वैल्यू कहाँ पर गई है। ये देखें, मेन से वैल्यू ए 10 थी, ये स्क्वायर को पास हुई, स्क्वायर इधर लेके आ गया, वो वैल्यू उसको पास हुई, 10 मल्टीप्लाई बाय 10 100 आ गया, फिर वो रिटर्न कर देगा, ये सारा कुछ वही बताया हुआ। यहाँ से रिटर्न होके वैल्यू आपके पास यहाँ पर 100 आएगी, एंड एल हो जाएगा, आपको जो रिजल्ट शो करवाएगा वो। जी, यूज ऑफ फंक्शन इन इफ कंडीशन, इफ कंडीशन के अंदर हम फंक्शन जो है उनको यूज करते हैं, वी कैन ऑल्सो यूज अ फंक्शन इन द कंडीशनल स्टेटमेंट लाइक दिस, यानी कि इफ इज इवन नंबर, यानी कि फंक्शन जो हमें वैल्यू रिटर्न कर रहा है, अब ये इज इवन का फंक्शन हमने लिखा था पहले एक के नंबर चेक करना है हमने, वो इवन है कि नहीं है, उसमें हमने देखा था उसको डिवाइड करवाया था 2 से, और जो उसका रिमाइंडर था वो हमने चेक किया था, अगर 0 आ रहा है इज इक्वल टू तो वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो ऑड नंबर है। तो अगर वो 0 आ रहा था और वो नंबर आपका जो है इवन है, तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, इज इवन में फंक्शन में या तो नंबर आएगा या यहाँ पर रिजल्ट आएगा उसका, तो रिजल्ट उसका जो है येस या नो में होगा या ट्रू या फॉल्स में होगा। तो अगर इसका रिजल्ट जो है यस या नो में, यानी ट्रू में है, इज इफ इज इवन ट्रू है, तो इफ ट्रू चलेगा तो फिर इफ वाली कंडीशन चलेगी, अगर फॉल्स होगा तो एल्स वाली चलाएगा। तो ये आगे सारा कोड बना हुआ है इसका, ये देखिए, यूजिंग नेम स्पेस स्ट्रेटजी इंट इज इवन इंट, अब इज इवन पे चले जाते हैं पहले, ये इंट फंक्शन है हमारे पास, इज इवन इंट नंबर इफ 2 मल्टीप्लाई बाय नंबर डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू नंबर। अच्छा, पहले हमने जो देखा था, आपने देखा होगा मॉडुलस के साथ करते हैं उसको चेक इवन नंबर को, अगर मॉडुलस के बगैर करना हो चेक हमने, तो फिर क्या तरीका है, उस नंबर को हम 2 से डिवाइड करें और उसका जो रिजल्ट आए उसको फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कि नंबर जो आपके पास है 3 को 2 से डिवाइड करें तो क्या रिजल्ट आएगा, 3 को 2 से डिवाइड करें 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई करें फिर क्या रिजल्ट आएगा, 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, नहीं 3 आ जाएगा ना, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो हमने बेसिकली जो नंबर है ना वो इंटीजर रखा हुआ है, इंटीजर नंबर 3 है, 3 को हमने डिवाइड किया 2 से, उसका रिजल्ट आना चाहिए 1। ठीक है सर, ठीक है, समझ लगा, ठीक है, और 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आंसर आया जी, ऐसे ही है, ठीक है, 2 इज इक्वल टू नंबर नहीं है, यानी कि 2 था इधर और दूसरी तरफ नंबर जो है वो हमारे पास 3 था, तो फॉल्स हो गया, यस सर, तो इसका मतलब है कि वो इवन नंबर नहीं है, फिर वो एल्स वाला रिटर्न 0 कर देगा, रिटर्न 0 का मतलब है फॉल्स, रिटर्न 1 का मतलब है ट्रू। ठीक है, तो ये है मॉडुलस का जो ऑपरेटर है, सिंबल है, वो यूज किए बगैर आपने इवन नंबर फाइंड करना, तो ये उसका तरीका है। ठीक है, तो यहां से अगर आता है हमारे पास इवन नंबर तो वो यहाँ पे पास होगा, सी आउट प्लीज इंटर द नंबर, नंबर सी इन किया, नंबर यहाँ पे आ गया फंक्शन में, वो फंक्शन आपका कॉल होगा, यहाँ से चेक करेगा नंबर अगर इवन है तो फिर ये चलाएगा द नंबर एंटर्ड इज इवन, अगर वो इवन नहीं है फॉल्स है तो एल्स वाला चलाएगा द नंबर एंटर्ड इज ऑड। सेम वही फंक्शन जो हमने उधर किया था इज इवन और ऑड फाइंड करने का, सेम वही फंक्शन एक डिफरेंट तरीके से यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास कॉल बाय रेफरेंस, कॉल बाय रेफरेंस
अच्छा जी, इसकी तरफ आने से पहले हम मुझे ना एक्चुअली चाहिए थोड़ा सा वाइट बोर्ड या कोई चीज़ लिखने के लिए जहाँ से मैं आपको समझा सकूँ। अगर आगे कोई डायग्राम आ रही है तो नहीं, डायग्राम नहीं आई हुई यहाँ पर। नहीं, सर हम पेन निकाल लें। आप लोग तो कर लेंगे लेकिन मैं कैसे समझा पाऊंगा ना आपको। सही सर, व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन होगा मेरा व्हाइट ख्याल है बोर्ड आपके में, पास, मैथ्स आपके टीम्स पास में है व्हाइट होगा। बोर्ड। अच्छा जी, व्हाइट बोर्ड। अब एक्चुअली मेरे पास माउस नहीं है ना, वो टच पैड है उसका जो है लैपटॉप का। सर वो उंगली पे घुमाएंगे वो चल जाएगा, कोई मसला नहीं। अच्छा, ठीक है। किधर है व्हाइट बोर्ड? मीटिंग ऑप्शन, मीटिंग नोट्स में। सर ये ऊपर जहाँ पे ये वन के साथ बना हुआ ना, ये यहाँ पे चेक करें सर। ये तो मैसेजेस हैं, शो रेज नहीं सर हैं, ये चौथे नंबर पे, चौथे नंबर पे। ये ब्रेकआउट रूम है। नहीं, इसमें होगा ना, मीटिंग डिटेल्स, मीटिंग नोट्स। सॉरी सर जहाँ पे स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन आता है ना वहीं पे होता है ये। स्क्रीन शेयरिंग और इसके साथ है माइक्रोसॉफ्ट व्हाइट बोर्ड। ठीक है, यस सर वहीं पे है। ये आ गया। हाँ जी, स्क्रीन शेयर हो रही है सबके साथ। यस सर हो रही है। यस सर हो रही है। व्हाइट बोर्ड भी आ गया। सर स्क्रीन शो नहीं हो रही। ब्लैक हो रहा है सर स्क्रीन पे। सर लिखा हुआ आ रहा है समथिंग वेंट रॉन्ग। हाँ सर कुछ लिखें जरा। जी, अब आ रही यस है सर व्हाइट वॉइस। बोर्ड तो नहीं चल रहा सही है, सही है। है। ठीक है, और इसको रेज करता हूँ मैं। सर हमारी तरफ से लोडिंग हो ही जा रही है वाइट स्क्रीन पे। ये कौन लगा हुआ है आप? मैंने तो किया, अदर पार्चमेंट कैन एडिट नो। अच्छा जी, एक्सपोर्ट इमेज पीएनजी अबाउट स्टैंड फीडबैक। ये लाइन कोई और तो नहीं लगा रहा? इधर लाइन लग रही है आप लोगों से, देखें जरा व्हाइट बोर्ड पे। सर बैठ गई है, पहले वही मार सर रहा था ये मैं। मूव सर हो ही जा रहा है। ये ये पहले आप ऑप्शन बोर्ड जा रहे थे लेकिन अब सही हो रही है। सर मूव हो ही जा रही है। अरे मस्ती कर रहा कोई। सर ये सर व्हाइट बोर्ड की लग ऑप्शन। हाँ, मैं इसको ना ऑफ नहीं किया है जी हो मैंने। रही है लेकिन सर ऑफ नहीं हुआ। हमारे सर ये लाल लाइन है मार रहा पास सर ऑप्शन वहीं था पे नहीं डिसेबल लगा। मोड सारों के लिए। हाँ, ये मेरा ख्याल है। अब ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, अब नहीं ऑप्शन आ रही। सर ये मूवेबल है, मेन कोई भी मूव कर सकते हैं इसको। अच्छा चलें जी, वो फिर नेक्स्ट देख लेंगे। अच्छा जी, मेरे पास है पेन ये। अच्छा, जब भी हम कोई वैल्यू स्टोर करते हैं ना, जैसे ये मैंने सेल बनाया है, अगर मैं इसको अरेज कर दूं पहले, टेक्स्ट जो है डिलीट। चलो डिलीट हो जाओ। डिलीट ही नहीं हो रहा। ये किसने बनाया है टेक्स्ट बॉक्स इधर? सर आई थिंक जिन्होंने बनाया वही डिलीट कर सर ये सकते क्लास हैं। बंद करके दोबारा चलेंगे। सर अब ये व्हाइट बोर्ड छोड़ें, कहीं और लिखने जा सर रहे व्हाइट हो। बोर्ड दोबारा से ओपन कर लें सर, सर ऐसा करें, वो आपको वैसे सेट ही पिक हमें सेंड करते हैं वो अलग से बना के।
हाँ मैं भी यही सोच रहा था, स्लाइड्स के अंदर ही ना दो स्लाइड्स ऐड कर दूँ इस तरह की। हाँ जी यही ठीक है मेरा ख्याल है। अच्छा जी, ये ना मेरे पास एक सेल है जिसके अंदर मैंने ना डाटा स्टोर किया हुआ है। फॉर एग्जांपल इस सेल का जो नाम है मेमोरी सेल है, जिसका नाम रखते हैं ना एक्स इज इक्वल टू 10। ठीक है, नजर आ रहा है ना आप सबको? यस सर, आ रहा है। यस सर। तो मैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर देता हूँ 100। फॉर एग्जाम्पल तो एक्स इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया, 100 आ गया। अब मैंने इसके बारे में बात की हुई है पहले भी, इसका कोई ना कोई एड्रेस भी होता है, फिजिकल एड्रेस। फिजिकल एड्रेस इसका होता है 0x F9 8 2 3, तो इस तरह का एड्रेस होता है इसका। इसको बोलते हैं हम फिजिकल एड्रेस उसका जो है, या इसको हम बोलते हैं रेफरेंस, यानी कि इस वेरिएबल का या इस सेल का रेफरेंस क्या है। जिस तरह मैंने एग्जांपल दी थी, आपका घर है, आपने उस घर का नाम रखा हुआ है, आपने मतलब के उसका नाम फरीद हाउस लिखा हुआ है, ठीक है, बट हाउस लिखा हुआ है, जंजुआ हाउस लिखा हुआ है, किस तरह का नाम है उसका। उसका कोई नंबर भी होता है हाउस का, वो 88F है, 82F है, ये जो भी नंबर है उसका, 49A है, ये कोई भी नंबर है उसका, ठीक है। अब वो जो एड्रेस है ना 49A, वो उस प्लॉट का फिजिकल एड्रेस है। उसके ऊपर जो आपने रखा है अपना जंजुआ हाउस या कुछ भी है, वो आपका नाम है। ऐसे ही सेम एक्स जो है यहाँ पर वेरिएबल नेम है, आइडेंटिफायर है, और ये जो है आपकी वो वैल्यू है जो इसके ऊपर स्टोर हुई हुई है, ये उसका रेफरेंस है, फिजिकल रेफरेंस क्या है उसका मेमोरी के ऊपर, ठीक है। अब जब हम कॉल करते हैं, जी किसका मैसेज आ गया है, व्हाइट बोर्ड नहीं शो हो रहा आपको, मैसेज आया स्क्रीन शो नहीं हो रही, सर वो हो रहा है, हो हो रहा रही है। है हमारे साथ ये पता नहीं किसने किया है, 305 कौन है, खैर ठीक है जी। तो ये इसको हम बोलते हैं रेफरेंस। अब जब भी हम वेरिएबल की वैल्यू कॉल करनी होती, क्या करते होते हैं, वहां पर एक्स लिख देते हैं, ऐसा ही है ना। अब एक्स जो है लिखते हैं तो वो वैल्यू उठा के ले जाता है 100। अब यही चीज़ अगर हमने रेफरेंस के साथ करनी हो, हम रेफरेंस लिखें उसका और वो वैल्यू उठा लाए, हो सकता है ऐसा? हो पॉसिबल सकता है है ना ऐसा, कि हम एक्स लिखा है तो उसने 100 में दे दिया, हम रेफरेंस लिखें तो वो वैल्यू उठा रहा है उसकी, तो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। अब रेफरेंस जो होता है ना, इसको कॉल करने का तरीका होता है, हम इसके साथ लगाते हैं एंड का साइन, सर। और जी, सर ये उसी तरह सिस्टम है जैसे MS में होता है, कुछ कीज के लिए हमें कोड लिखना पड़ता है तो वो उनका साइन शो हो जाता है हाँ MS बिल्कुल वर्ड में। ऐसे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है, सेम वैसे ही तकरीबन, लेकिन वो ये हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो ये थोड़ा डिफरेंट है उससे। मतलब कि हमने वैल्यूज पिक करनी है, या उस मेमोरी लोकेशन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है वो हम एक्स के साथ भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर जो वैल्यू पड़ी है उसको रेफरेंस के साथ एड्रेस के साथ भी कॉल कर सकते हैं। आपने अक्सर जो है ना एक टर्म सुनी होगी, अगर आपने ICT के अंदर या ICS जिन्होंने किया है उन्होंने पढ़ी टर्म पढ़ी होगी, रजिस्टर्स होते हैं या बसेस होती हैं। डेटा बस होती है, एड्रेस बस होती है, कंट्रोल बस होती है। डेटा बस वो होती है जो डेटा लेकर जाती है, और एड्रेस बस वो होती है जो एड्रेस लेकर जाती है। तो जी एक्स सर, अगर कहीं पे कॉल हो रहा है तो इसने उसकी वैल्यू जो है 100, ये डाटा है उसका, एक्स का डाटा 100 है, तो डाटा बस के थ्रू ये 100 जाएगा, एड्रेस बस के थ्रू उसका एड्रेस जाएगा, ये एड्रेस होता है। और एड्रेस के थ्रू जब हम, यानी कि ये जो रेफरेंस है, इसके थ्रू जब हम वेरिएबल्स को कॉल करते हैं ना, तो उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। अगर इस एक्स के साथ कॉल करें तो अगर 1, 2 या 3 सेकंड में डाटा आना है आपके पास, अगर रेफरेंस के साथ कॉल करें तो
मतलब कि जो 1 सेकंड से भी कम टाइम में वो आपको ये वैल्यू जो उठा के दे देगा। तो क्योंकि सिस्टम जो आपका पूरा होता है, प्रोसेसर जो होता है वो एड्रेसेस पे ही चलता है, वो एड्रेसेस से ही वैल्यू उठाता है। तो अगर आपने पहले उसको एक्स दे दिया है तो एक्स का वो एड्रेस ढूंढता है, उस एड्रेस से वो वैल्यू उठा के लाता है, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट उसको एड्रेस के साथ एक्सेस करते हैं तो वो ज़्यादा स्पीड अप हो जाता है डाटा आपका। तो सेम ऐसे ही जब हमने फंक्शन कॉल करना है, एक तो हमने देख लिया फंक्शन हमने एक्स के साथ आइडेंटिफायर या वेरिएबल के साथ हमने कॉल कर लिया था इसके साथ, ठीक है। दूसरा फंक्शन हमने देखा 100 के साथ हमने कॉल कर लिया, सीधे सीधे उसको 100 देते हैं, वो हमें आंसर दे देते हैं। तीसरा जो फंक्शन की टाइप है वो कॉल बाय रेफरेंस है, ये रेफरेंस देते हैं। अब ये रेफरेंस जो है इसको याद करना बड़ा मुश्किल होता है, ये याद नहीं होते। तो फिर इसको कॉल करने के लिए हमने एक्स के साथ एंड का सिंबल लगा देते हैं, यानी कि एंड एक्स कहेंगे तो वो रेफरेंस उठाएगा, यानी कि उसको हमें याद नहीं करना पड़ेगा, जस्ट उस वेरिएबल को जिसको आपने डिक्लेयर किया उसके साथ एंड लगा दें, वो आपको उसका रेफरेंस दे देगा। अब हम एक छोटा सा प्रोग्राम कर लेते हैं, रेफरेंस किस तरह होते हैं कैसे, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ। जी नजर आ रही है स्क्रीन, ठीक है। तो ये मेरे पास था कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है जी। अब ये रेफरेंस क्या होता है, सबसे पहले ये एंड एक्स मैंने बता दिया, जो भी आपका वेरिएबल है, अगर एरिया आपका वेरिएबल है। जी एक मिनट जी, मैं कॉल सुन लूँ, एक ये सीआर की कॉल आ रही है E2 का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम सर। हाँ जी, हाँ जी, मैं क्लास ले रहा हूँ, मैं लेता हूँ इसके बाद, E1 की क्लास हो रही है इसके बाद 5:30। मैसेज करके भी पूछ सकते हैं आप ये बात। जी एंड एक्स आ गया। अब ये देखें, इंट जे इज इक्वल टू 2 और इंट एंड एक्स इज इक्वल टू जे, यानी जे की जो भी वैल्यू है वो किसको पास हो जाए, एक्स के रेफरेंस को पास हो जाए। अब एक्स का रेफरेंस क्या है, अब वाई का रेफरेंस यहाँ पर जो है इंट, हमारे पास अगर आप एंड वाई कहेंगे तो एरर आ जाएगा, वाई मस्ट बी इनिशियलाइज्ड। तो यहाँ पर वाई नहीं दिया हुआ, एक्स दिया हुआ है, और एक्स जो है इनिशियलाइज नहीं किया हुआ शुरू में, यानी कि उसके अंदर कोई वैल्यू नहीं पड़ी है। तो इसका एक छोटा सा प्रोग्राम करते हैं हम, यही मैं जो है ना प्रोग्राम कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, या आपको एक नया प्रोग्राम करवा देता हूँ। सी आउट, सोर्स कोड पहले वाला क्लोज कर देता हूँ, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम, यूजिंग नेम स्पेस जी। मैं यहाँ पर एक वेरिएबल ले रहा हूँ int x, ठीक है, उसके बाद सी आउट करवा रहा हूँ मैं x वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, इसको कोई वैल्यू पास कर देते हैं 10। और यहाँ पर x हैंडल ठीक है जी, उसके बाद सी आउट करते हैं हम, यहाँ पे लिखता हूँ एड्रेस ऑफ एक्स वेरिएबल, एक्स का जो एड्रेस है मेरे पास वो क्या आएगा। अब यहाँ पे मैं कॉल करता हूँ एंड एक्स, हेलो सर, आवाज नहीं आ रही, स्क्रीन आ रही है? यस सर आपकी आ रही है सही आवाज, ये भाई की नहीं आ रही। वो अच्छा ठीक है, तो यहाँ तक देख लिया आपने, एक्स की वैल्यू है हमारे पास 10,
सी आउट द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू 10 शो होगी और यहाँ पर एड्रेस ऑफ द वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू एंड एक्स, उसका जो एड्रेस है वो यहाँ पर हमें शो होगा। इसको हम सेव कर लेते हैं रेफरेंस। जी अब इसको मैं रन करता हूँ। यस कंपाइल। जी ये देख रहे हैं अब क्या रिजल्ट आया हमारे पास, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू 10 और यहाँ पर एड्रेस ऑफ वेरिएबल एक्स इज इक्वल टू 0x23FE3C। तो ये उसका फिजिकल एड्रेस जो है हमें एक्स का मिला है। ठीक है जी, अब मैं क्या करता हूँ, ये जो जी जी क्या क्वेश्चन है सर, ये हमें एड्रेस क्यों चाहिए होते हैं मतलब के? जी ये मैं अभी जब बता रहा था ना तब मैंने आपको बताया था एड्रेस जो होते हैं ना, इसका एड्रेस हमें चाहिए नहीं है। हम जब एक्स के साथ इसको कॉल करते हैं ना, यानी कि मैंने यहाँ पर एक्स कॉल किया तो जितना टाइम मुझे यहाँ पे लगा ना इस वैल्यू को कॉल करने के लिए यहाँ आने के लिए, अगर मैं वही वैल्यू एड्रेस के साथ कॉल करूँ तो उससे भी कम टाइम लगे। ठीक है, तो अभी मैंने एंड एक्स लिया है, अब एंड एक्स में उसने रिजल्ट दिया हमें, उसकी वैल्यू नहीं दी। तो हमने जब वैल्यू पास करनी है तो मैं यहाँ पर एक वेरिएबल रखता हूँ y इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब इस y को मैं पास कर देता हूँ जो है मेरे पास, या मैं रख देता हूँ y इज इक्वल टू एंड x। अब एंड x पे क्या आएगा, जो भी यहाँ पे x का रिजल्ट है जो रेफरेंस है एड्रेस है वो किसको मिल जाएगा, वाई को मिल जाएगा। तो वाई हम नीचे डिक्लेयर कर देते हैं, कॉपी पेस्ट, तो यहाँ पे हम कर देते हैं वाई। अब इसको कंपाइल करते हैं, एरर आ रहा है किसके अंदर, वाई के अंदर, इंट टू इंट एफ परमिसिव इनवैलिड कन्वर्जन। अच्छा ये इसकी कन्वर्जन ही करेगा, इसको फिर हम करते हैं एंड एक्स इज इक्वल टू वाई, एल वैल्यू रिक्वायर लेफ्ट ऑपरेंड ऑफ असाइनमेंट। ऐसे जी एरर दे रहा है, इसका जो है दोनों एंड यूज करके देखते हैं। सर ये सार डेटाबेस नहीं लगे, मतलब जैसे इंट ऊपर लगा हुआ इधर क्या सर, डेटाबेस जैसे इंट लगा हुआ एक्स इज इक्वल टू 10 वैसे सर इधर भी लगाना पड़ेगा या नहीं, वाई जब वाई में स्टोर करना होगा डिक्लेयर का पूछ रहे, इधर भी करना पड़ेगा कि नहीं वेरिएबल को? नहीं नहीं इधर नहीं करना पड़ेगा, एक मिनट ठहरे, मैं वाई इज इक्वल टू एक्स करता हूँ। अच्छा ये y की वैल्यू जो है अब क्या आएगी, 10 आएगी, y की वैल्यू मेरे पास 10 आ रही है तो सेम वैल्यू पास हो गई है। उसका एड्रेस क्यों नहीं पास कर रहा, ये एड्रेस इसको पास करना चाहिए, इसकी जगह एरर क्यों दे रहा है, इंट में सेमी कॉलन सारे यूज कर रहे हैं हम एंड x। सर ऊपर y को इनिशियलाइज मत कीजिए, वो जीरो आ जाएगा y की जगह पर। एक मिनट है ना, ये देखें x is equal to 3 और y is equal to x। एड्रेस तो हम बाद में y को इनिशियलाइज x का आके तो फिर बाद में हम y को साइन करेंगे ना वैल्यू x की जो है एड्रेस वाली, वो प्रोग्राम में यहाँ पे जाएं देखें हम पहले कैसे स्टोर करें, हमने एड्रेस तो बाद में इधर आके शो करवाया, ये थर्ड लाइन है। The value of x is equal to यहाँ पे जो जहाँ पे y स्टोर करवाया के सी आउट में, सी आउट का इशू नहीं है, सी आउट कुछ भी करवा सकते हैं। नहीं मतलब कह रहा हूँ सी आउट से पहले नहीं हम इनिशियलाइज करवा सकते हैं वैल्यू y को, ये y को करवा सकते हैं पहले भी करवा सकते हैं, इक्वल मत रखें। नहीं वो तो करवा सकते हैं, उसको तो कोई इश्यू नहीं है, वो तो बाद में भी करवा सकते हैं पहले भी करवा सकते हैं,
नहीं एरर तो इस लाइन का आ रहा है ना, इंट एक्स वाई, हाँ जी। अच्छा ये हमने क्या करना है, जब y का जो वेरिएबल है ना हमारा, जब उसको डिक्लेयर करना है उसके साथ ही उसको इनिशियलाइज करवाना है आपने, उसको पहले नहीं करवा सकते। देखना चल गया, अब देखें y की वैल्यू क्या आ रही है, हमारे पास 9 आ रही है, तो मैंने यहाँ पे वैल्यूज की 9 रखी। और अब मैं दोबारा से x जो है उसको कॉल करता हूँ। सर सर जिसका एड्रेस शो करवाना होगा उसके साथ हमें एंड लिखना पड़ेगा, उसके साथ एंड लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए जी ये क्या हो रहा है, हमारे पास पहले जो वैल्यू है वो x की आ रही है 10 जो हमने यहाँ पर स्टोर की है, उसके बाद x की वैल्यू जो है हमने रिजल्ट शो करवाया ये x आ गया हमारे पास। दूसरे नंबर पे हमने एड्रेस लिया x का, एंड लगाया है साथ में तो उसने हमें एड्रेस दे दिया उसका। तीसरे नंबर पे मैंने क्या कर दिया, y को मैंने दे दिया, y के एड्रेस पे मैंने सेव करवा दिया 9, y के एड्रेस पे क्या सेव करवा दिया 9। अब y के एड्रेस पे क्या पड़ा हुआ था पहले, x पड़ा हुआ था, तो ये वैल्यू किसको पास हो गई, x को x की वैल्यू जब हम यहाँ पे शो करवाते हैं तो यहाँ पे वो 9 देता है, यहाँ पे 10 दे रहा था ऊपर, यहाँ पे 9 दे रहा है। दोबारा से इसको चला के देखते हैं, ठीक है, x की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 10, एड्रेस ऑफ द x, अब देखें एड्रेस जो था पहले कुछ और था, 0x23FE3C था यहाँ पर इसका जो एड्रेस है, E3C था, अब वो एड्रेस जो है वो चेंज हो गया। द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 9 और x की वैल्यू क्या होगी, अगेन 9 आ गई, क्योंकि उसने उसको एड्रेस के साथ उसने उसको रिप्लेस कर दिया। दोबारा मैं चलाता हूँ इसको, आप इसका रिजल्ट देखें, इसका x का जो वेरिएबल है उसका एड्रेस वही आ रहा है 3, 4, लेकिन ये एड्रेस x का नहीं है, ये एड्रेस कहाँ से आ रहा है 9 का, जब हमने पहले दिया उसको उसको, तो जितनी दफ़ा आप इसको चेंज करते हैं ना उतनी दफ़ा उसका एड्रेस भी चेंज हो जाता है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको डिलीट करता हूँ वेरिएबल को, यहाँ पे z रख देता हूँ कोई वेरिएबल, फिर उसके बाद int x रख देता हूँ। आप इसका एड्रेस देखते हैं, हाँ अब ठीक आ रहा है इसका एड्रेस जो है ना, x की वैल्यू 0 पहले आ रही है, फिर x इज इक्वल टू 2, 3, E, 3, 4 आ रही है, तो वो x हमने ऑलरेडी लिखा हुआ था इसलिए उसने उसकी वही वैल्यू रखी है, ठीक है। तो ये रेफरेंस है, ये ना मैं स्लाइड्स जो हैं 2-3 अपलोड करके ना उसके ऊपर ये सारी जो डायग्राम्स बना के, तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको ना फिर वो करवा दूंगा। इसके एक दो प्रोग्राम और भी आएंगे आगे, ये रेफरेंस के साथ जो दिए ये वाले जो प्रोग्राम है, ठीक है, तो फिर इसको भी देखते हैं फंक्शन कैसे कॉल करते हैं। जी जी सर, मिड्स तक कितना सिलेबस होगा, मिड्स तक वो मैंने कहा था कि मैं नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा आपको थर्सडे वाला दिन। ओके सर, क्विज का सिलेबस हमारा डिसाइड हो गया कि क्विज जो आपका है वो लूप्स तक होगा, लूप्स इंक्लूडेड है। सर कब होगा, सैटरडे को 6 बजे, सैटरडे को तो छुट्टी होती, तो फिर आप फ्राइडे को दे दें क्विज। नो सर ठीक है, सैटरडे फ्राइडे को भी छुट्टी होती है बाय द वे। चलो फिर थर्सडे को दे दो, कल दे दो क्विज, क्विज तो लेना ही लेना है सर। आप सैटरडे ठीक है सर, सैटरडे फाइनल किया हुआ, सैटरडे ठीक है, सैटरडे ठीक है सर, आप सही कह रहे हैं। चलिए अच्छा, मेरी नेक्स्ट क्लास है 5:30 सर, आपने कहा था कि मैं आपको कोर्स सेंड कर दूंगा सर। जी जी सर, ये क्या नाम है मिड्स में सर, थ्योरी वाइज तो नहीं ना कोई क्वेश्चन आएगा, मतलब कि हम जो आपने लेक्चर दी है सिर्फ उसको कॉन्सेप्चुअल एज अ फंक्शन के तौर पे कर लेना, तो मतलब हम फंक्शन के ही जा रहे हैं, मतलब कि थ्योरी भी आएगी, प्रैक्टिकल भी होगा, सारा कुछ होगा। थ्योरी भी आएगी सर? जी थ्योरी भी आएगी सर, थ्योरी तो यार इन द सेंस वो लूप वगैरह ये थ्योरी में पूछ लेगा या फिर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट पूछ लेगा। कंडीशनल स्टेटमेंट पूछ लेगा,
जो लूप्स हैं उनके बारे में पूछ लेगा, ब्रेक कहाँ पे यूज होता है, क्यों यूज होता है, गो टू स्टेटमेंट का भी यूज करते हैं, कंटिन्यू का भी यूज करते हैं, ठीक है, फेल वाले का भी सर सब बता। अरे गो टू स्टेटमेंट कौन सी है? गो टू स्टेटमेंट बाकी बच्चों को पता है कि गो टू स्टेटमेंट क्या है? नो सर। सब बता दे, गो टू का पता हुआ हमने पढ़ी है सर ये। हाँ जी पढ़ाई है गो टू स्टेटमेंट। फंक्शन से पहले गो टू स्टेटमेंट ही की थी, फंक्शन की जगह पर गो टू स्टेटमेंट यूज करते हैं हम। गो टू स्टेटमेंट होती है जंप करने के लिए, एक जगह से दूसरी जगह जंप करने के लिए। स्लाइड्स में मौजूद है, देख लीजिएगा ना, अगर समझ आए तो अगली क्लास में करवा दूंगा। राज वाली स्लाइड भी सेंड कर देना कल। और सर ये कंटिन्यू का कंटिन्यूअस स्टेटमेंट कंटिन्यू भी करवाइए यार, मैंने प्रोग्राम करवाया था एक उसका। सर बस दोबारा एक बार थोड़ा बता दें शॉर्ट सा। जब फॉल्स कंडीशन आ जाए आपकी और उसके बाद आपने उसको कंटिन्यू रखना हो, फॉल्स पे भी उसको रोके ना। ओके सर। ब्रेक जहां पे यूज करते हैं ना, ब्रेक कि कंडीशन ट्रू हो जाए तो ब्रेक कर दे जी, तो कंडीशन फॉल्स हो जाए तो कंटिन्यू रखे उसको, बस वो ब्रेक का ऑपोजिट है। ठीक है सर। ओके जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। मैं एक और सेंड करता हूं।